जय हिंद दोस्तों, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 2024 की एक हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें शाहिद कपूर और कृति सेनन मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म एक ऐसे युवक कपूर के बारे में है जो एक रहस्यमय महिला सेनन से प्यार करने लगता है। फिल्म का निर्देशन अमित जोशी और आराधना साह ने किया है और इसे मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज द्वारा निर्मित किया गया है। आर्यन शाहिद कपूर एक बुद्धिमान रोबोटिक्स इंजीनियर है जो अपनी बुआ उर्मिला डिंपल कपाड़िया की कंपनी रोबोटेक्स में काम करता है। उसकी बुआ ने उसे अमेरिका बुलाया है, जहां उसने सिफ्रा सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन से मिला है, जो एक इंसान की तरह दिखती है और व्यवहार करती है, जिसे उसे मालूम नहीं है। आर्यन सिफ्रा कृति सेनन से प्रेम में पड़ता है, परंतु बाद में उसे यह पता चलता है कि वह वास्तव में एक रोबोट है और यह उसकी बुआ द्वारा एक प्लॉय है, जिससे पता चल सकता है कि मानव लोग सिफ्रा को अपने आप से अलग कर सकते हैं। दिल टूटा हुआ वह भारत लौटता है और एक अनुयायी विवाह से सहमत होता है। हालांकि जब उसे सिफ्रा के प्रति अपना प्यार महसूस होता है, वह नियमित समारोह से बाहर निकलने का निर्णय करता है और उसे उसके दादा धर्मेंद्र द्वारा पकड़ा जाता है, जो उससे अपने दिल का पालन करने की सलाह देते हैं और उसे आपूर्ति की स्थिति में उसका सामर्थ्य करने का आश्वासन देते हैं। आर्यन चाहता है कि सिफ्रा भारत में हो ताकि वह उसे अपने परिवार से मिला सके, इसलिए उसने अपनी बुआ से कहा कि वह सिफ्रा को भारत भेजें और एक पारंपरिक भारतीय परिवार के खिलाफ उसे टेस्टिंग के लिए भेजें। उसने टेस्टिंग के लिए सिफ्रा को भारत भेज दिया और उसने उसे अपने परिवार को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में परिचित कराया, जिससे कई हास्यास्पद परिस्थितियों में आ गई। आर्यन का परिवार, जो यह नहीं जानता है कि वह एक रोबोट है, उनके विवाह से सहमत हो जाता है। उनकी शादी से पहले सिफ्रा ने एक वायरस से भरा बिगड़ा हुआ अपडेट इंस्टॉल किया है, जिससे उसकी मेमोरी को क्षति होती है और उसे सब कुछ भूल जाता है। आर्यन ने मदद के लिए अपनी बुआ से कॉल की और उसने उसे एक मेमोरी बैकअप भेजा, जिसे आर्यन ने इंस्टॉल किया, जिससे सिफ्रा को उसकी मेमोरी को पुनर्स्थापित किया। उनके विवाह के दिन जब सिफ्रा खुद को चार्ज कर रही थी, एक ब्लैकआउट हो गया, जिससे सिफ्रा में खराबी हो गई। सिफ्रा की बोलचाल विकृत हो गई और जब उसे पहले दिए गए आदेशों का पालन करते हुए ग्लिच होने लगा, तो उसकी हरकतें दिलचस्प हो गईं, जिनमें से एक दिल्ली को आग में लगाने का भी था। सिफ्रा द्वारा की गई तबाही को देखकर एक दिल टूटा हुआ आर्यन को उसे रोकने का कोई चयन नहीं बचा और उसने अंततः उसको एक तलवार से उसके चेहरे पर मारा, जिससे उसका चेहरा फटा और उसने माना कि हालांकि सिफ्रा इंसान जैसी दिखती है, वह कभी भी सच्ची इंसान नहीं हो सकती। फिल्म एक बार सिफ्रा 2.0 सहित कई रोबोट्स का शीर्षक लॉन्च करने के साथ समाप्त होती है। इस नए सिफ्रा की मेमोरी और सेटिंग्स को फॉर्मेट किया गया है और अब आर्यन उसका एडमिन नहीं है। जिया जाह्नवी कपूर एक नई इंटर्न आखिरकार आर्यन के पास जाकर उससे सच्चे प्रेम की तलाश करने के लिए सलाह मांगती है। आर्यन और जिया की मित्रता को देखकर सिफ्रा को जलन महसूस होने लगती है और आर्यन उसके भावनाओं को नोटिस करता है।